अजय देवगन का एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर वो अपने पुराने दिनों के लिए पहली फिल्म की मैजिक की बात कर रहे हैं। अजय के अकॉर्डिंग वो पहली बार जब मूवी उनकी प्रीमियर हुई थी वो गैलेक्सी में हुई थी। हालांकि गैलेक्सी के अलावा जेएमनी में भी प्रीमियर चल रहा था जहां के सारे टिकट सोल्ड आउट हो चुके थे। अजय देवगन ने जानबूझकर जेएमनी का रुख किया और चुपचाप आगे वाली सीट पर बैठ गए देखने पब्लिक का रिएक्शन। पब्लिक जैसे जैसे मूवी देख रही थी उनकी एनर्जी लेवल बढ़ता जा रहा था। जैसे ही कॉलेज की लड़की वाला गाना आया पब्लिक बेतहाशा पागल होकर नाचने लग गई और सिक्के पैसे फेंकने लग गई। उस गाने पर पब्लिक इस तरीके से हूट करती है, पैसे उछालती कि एक सिक्का उसके सिर के पीछे लगता है। वो सिक्के को उठाता है, बचे हुए नोट भी उठा लेता है और घर पर जाकर फ्रेम कर लेता है। हालांकि उनकी मोटरसाइकिल एंट्री पर भी जोरदार तालियां बजी थी, लेकिन जब वो पहुंचे तब वो कॉलेज की लड़की वाला इंसिडेंट याद करते हैं। जब उनको पहली बार इतना जबरदस्त तरीके का अप्लॉज मिला, पब्लिक की बेंतियां ताली मिली, तब उनको एहसास हुआ वो मैजिकल फील्ड में आ चुके हैं। उनके अंदर की सारी झिझक साइनेस खत्म हो गई। उन्होंने मनी मन अपने फादर को थैंक यू बोला और फूल और कांटे के लिए अपने आप को लकी बताया। हालांकि उनको मनी मन अक्षय कुमार को भी थैंक यू बोलना चाहिए, बिकॉज उनसे पहले ये मूवी उन्हीं के पास थी और अगर अक्षय कुमार उस मूवी का पार्ट होते तब शायद अजय देवगन एक्टर न होकर डायरेक्टर होते। बहरहाल जो डेस्टिनी को मंजूर होता है वही आगे चलकर सत्य साबित होता है। अजय देवगन की किस्मत में ये मूवी लिखी थी और इसी वजह से हमको अजय जैसा बेहतरीन एक्टर डायरेक्टर मिल सका। फूल और कांटे की बात अजय देवगन कई बार कर चुके हैं, कई दफा तो वो पार्ट टू की बात भी करते हैं और अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी स्टंट के बारे में बात करते हुए बोलते हैं। वो चाहते हैं कि फूल और कांटे का पार्ट टू बने, एक तरह का डिफरेंट गॉडफादर गैंगस्टर ड्रामा होगा और वो फिर से तैयारी करेंगे ताकि इस तरह के स्टंट को रिपीट कर सके जो वो रोहित शेट्टी की फिल्मों में करते हैं। फूल और कांटे उनका पहला प्यार है और अपने पहले प्यार को दूसरी बार सामने देखना किसके दिल की चाहत में होती। अब अजय देवगन एक नई स्क्रिप्ट का सही स्क्रिप्ट का वेट कर रहे हैं। जैसे उनको लगेगा इसमें पोटेंशियल है फूल और कांटे का, तब वो उस मूवी को डायरेक्ट भी करेंगे, उसमें एक्ट भी करेंगे। लेकिन अजय इस पूरे मामले में संजीदा रहते हैं। वो फिल्मों की फ्रेंचाइजी इस राज की तरह कैश नहीं करते बल्कि सही सब्जेक्ट का वेट करते हैं। उम्मीद करते हैं अजय को फूल और कांटे की नई कहानी जल्दी मिले ताकि पब्लिक फिर से उस मैजिक को रिक्रिएट कर सके। सो फ्रेंड, ऐसी एक्साइटिंग ऑसम और एंटरटेनिंग कंटेंट के लिए प्लीज हिट द सब्सक्रिप्शन एंड बेल आइकन बटन ऑफ मूवी फॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर अवर वीडियोज़।